एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़ टीचिंग एंड पेंटिंग। तो आज आप देखने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा ट्री पेंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ट्री को बनाने के लिए वाइट और ब्राउन कलर यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, मैंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए वन स्ट्रोक शेडिंग यूज़ किया है। अब इसी कलर से इसके ब्रांचेस बना लेते हैं। तो अब मैं फ्लावर बनाने वाली हूँ। फ्लावर को बनाने के लिए मैंने पिंक और वाइट कलर यूज़ किया। और आप देख सकते हैं कि ये भी वन स्ट्रोक शेडिंग से ही बन रहा है। और इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं।
अब नीचे ग्रास बनाने के लिए मैंने डार्क ग्रीन यूज़ किया है, और आप फ्लैट ब्रश 8 नंबर ले लीजिए, उससे बनाइए तो आपका ग्रास बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब ये हमारा ग्रास हो गया है रेडी। अब हम इस पर ट्री बनाएंगे, छोटे छोटे ट्री। ट्री बनाने के लिए भी मैंने डार्क ग्रीन ही यूज़ किया है, और वही फ्लैट ब्रश 8 नंबर। अब हमारा ये सारा ट्री भी रेडी हो चुका है, और अब हम बनाएंगे लीफ। फ्लावर्स के पास हम लीफ बना लेते हैं। आप बीच बीच में कहीं कहीं पर लीव्स डाल दीजिए, इससे आपके पेंटिंग में एक अलग सा लुक आएगा। तो अब मैंने इन सारे ट्रीज़ के भी ब्रांचेस बना लिए हैं। नीचे ग्रास पे भी फ्लावर पेटल्स बना देना है, इससे आपके पेंटिंग का बिल्कुल रियल लुक आएगा। तो ये हमारा पेंटिंग हो चुका है रेडी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।